हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वो होते हैं ए एन और द। ए और ए एन, ए एन और द हमें सेंटेंसेस में बोलने हैं। तो चलिए देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस, कंप्लीट द सेंटेंस विद ए और एन। हमें ए और एन से, हमें ए और एन से हमें इन सब को करना है। जितने भी शब्द हैं हमें इन शब्दों को देखना है। ये इन शब्दों को, ये होते हैं ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू से जितने भी शब्द हैं उनके आगे एन लगेगा और बाकी शब्दों के बी सी डी के पीछे और बाकी बी ई डी और मोन इनके आगे हम ए लगाएंगे। हमें इसमें दानी दिया हुआ, हमें दानी भरना। तो पहला सेंटेंस है दिस इज डैश डैश बॉल। हमें इसमें क्या भरना है, ए या एन। दिस इज ए बॉल, क्योंकि इसमें ए ई आई ओ यू में से एक भी शब्द नहीं आ रहा, एक भी शब्द नहीं आ रहा। ये बी है तो इसमें ए आएगा। आई सो डैश ओल्ड कारपेट, ए आई ओ यू में से इसमें आ रहा है तो हम इसमें एन लगा देंगे। और नेक्स्ट है दैट इज डैश काइट, इसका मतलब है दैट इज ए काइट। फिर फोर्थ है देयर इज डैश बिहाइव, तो इसमें आएगा ए, क्योंकि इसमें ए ई आई ओ यू में से एक भी वर्ड नहीं आ रहा तो इसमें आएगा ए। एन सिर्फ उन शब्दों में आता है जो जो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हो। अब फिफ्थ है गिव मी डैश अम्ब्रेला, गिव मी एन अम्ब्रेला। तो इसमें फर्स्ट वाले में आएगा ए, सेकंड वाले में आएगा एन, थर्ड वाले में आएगा ए और फोर्थ वाले में आएगा ए और फिफ्थ वाले में एन। चलिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। देखते हैं आगे के कुछ और क्वेश्चंस। तो फिफ्थ है, सॉरी सिक्स्थ है व्हाट डैश अगली पिक्चर। तो इसमें क्या आएगा, एन आएगा इसमें, इसमें एन आएगा क्योंकि ए ई आई ओ यू में से एक शब्द है यू, यू से अगली, तो ये इसमें एन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं आई हैव डैश लिटिल ब्राउन पपी, एल तो नहीं आता तो हम इसमें करेंगे ए। नेक्स्ट है पास मी डैश एप्पल, तो इसमें एन आएगा क्योंकि ये ए ई आई ओ यू में से एक शब्द है ए एप्पल, तो इसमें एन लगा देंगे हम। अब नेक्स्ट है वी हैव डैश रेड कार, ए इसमें ए आएगा क्योंकि आर किसी में भी नहीं आ रहा, ए ई आई ओ यू में से किसी में से भी नहीं आ रहा तो इसमें आ जाएगा ए। रीता इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, रीता एक समझदार लड़की है तो इसमें क्या आएगा, ए। आई वांट डैश चॉकलेट केक, इसमें क्या आएगा, इसमें भी ए ए आएगा तो फर्स्ट वाले में आएगा एन, इसमें आएगा ए, इसमें
इसमें आएगा एन, इसमें आएगा ए, इसमें ए। तो आगे देखते हैं, अगले और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये लास्ट का क्वेश्चन रह गया था, इसे और पूरा कर लेते हैं। तो लास्ट का क्वेश्चन, ब्लैकी इज डैश कैट, ब्लैकी इज ए कैट। तो ये था आज का, ये थी आर्टिकल्स। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।